दोस्तों, मीडिया में आजकल तीन चीज़ें छाई हुई है, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 एवं लॉकडाउन 3। तो देखते हैं इस लॉकडाउन 1 को बच्चों के नज़र से। जैसे ही लॉकडाउन 1 अनाउंस हुआ, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें स्कूल से छुटकारा जो मिल गया था, वे नाचने लगे, गाने लगे, खुशियाँ मनाने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने माता पिता पर कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। और देखिए किस प्रकार नाच गा रहे हैं, इनके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। लीजिए लॉकडाउन 2, ये क्या हुआ? सुनते ही बच्चे उछलने तो लगे, लेकिन नाचते गाते थक चुके थे। अब क्या करें? सो इन्होंने नया फंडा अपना लिया, मम्मी का किचन हथिया लिया और अजीबो गरीब डिश के स्वाद से माता पिता को मनमोहित करना शुरू कर दिए। देखिए इन बच्चों को अपने छोटे छोटे हाथों से रोटियां बना रहे हैं, केक बना रहे हैं। अब इन्हें देखिए, ये क्या कर रहे हैं? वाओ, स्माइली, कितना खूबसूरत स्माइली बना लिया है इन्होंने। वास्तव में माता पिता के लिए मनमोहक नज़ारा है ये, और बच्चों के लिए एक पर एक सीख, एक पर एक डिश बनाना सीख रहे हैं, माता पिता को लुभा रहे हैं, अपने समय को हंसी खुशी एक साथ बिताने में लगे हुए हैं, मदमस्त हैं ये। लेकिन दिन भर थोड़े ही ना बीत जाएगा, अब उन्हें धीरे धीरे स्कूल की हरियाली, दोस्तों की गाली एवं शिक्षकों की प्यारी प्यारी वाणी याद आने लगी। तब तक आ गया लॉकडाउन 3। अब क्या करें? सोचने लगे, बिना पढ़ाई के दिन बिताना कितना मुश्किल है भाई, पढ़ाई के साथ साथ खेलते कूदते दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। दिन कितना छोटा लगता था, लेकिन अब दिन कितना बड़ा लगने लगा है। लेकिन माता पिता, अभिभावक, स्कूल प्रशासन, जिनके साथ बच्चे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, उन्होंने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए तथा अपने बच्चे को बोरियत से बचाने के लिए इंडिया को यूएसए से भी ऊपर खड़ा कर दिया। और देखिए अब बच्चे कितने आनंद से खाते पीते अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी को कितने इंजॉयफुल बना रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि पढ़ाई ही एक ऐसा खेल है जो कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान को बोर होने नहीं देता। और यदि छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ गए हैं, तो आप जो 12th के विद्यार्थी हैं, आइए आरके शर्मा के साथ मिलकर ऑनलाइन क्लास को एंजॉय करते हैं 12 मई 2020 यानी मंगलवार से। समय मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट रखा जाए, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।